हाई कोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर आएंगे। पीएम मोदी 25 अगस्त की शाम 4 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से पीएम मोदी का काफिला झालामंड स्थित हाई कोर्ट परिसर के कार्यक्रम स्थल पहुंचेगा। पीएम मोदी जोधपुर शहर में 2 घंटे तक रहेंगे और शाम को ही वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता में भी काफी उत्सुकता है। पटना में मुस्लिम संगठनों ने बालाकृष्णन आयोग को कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में डालने की मांग की है। आयोग की सुनवाई पटना के ज्ञान भवन में चल रही है। पसमंदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी ने कहा कि मुसलमानों में करीब 1 दर्जन जातियों की हालत अनुसूचित जातियों से भी खराब है। कोलकाता के आरजी कर मामले में विरोध प्रदर्शन कर रही भाजपा की नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सीबीआई संदीप घोष को हिरासत में लेकर पूछताछ करे, उसे बहुत कुछ पता है। ममता बनर्जी एसआईटी का गठन करके संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रही है। संजय राय केवल स्टाम्प है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। संजय राय को पूछेंगे तो कई और लोगों की असलियत सामने आएगी। हम न्याय चाहते हैं, राजनीति नहीं। ममता बनर्जी खुद के राज्य में कानून मंत्री होते हुए कानून व्यवस्था देख नहीं पा रही हैं। भटिंडा से शियद सांसद हरसिमरन कौर ने मुख्यमंत्री मान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे से नौजवानों की मौत हो रही है और सीएम मान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हरसिमरन ने आगे कहा कि नशे के सेवन से नौजवानों की मौतें हो रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की कोई परवाह नहीं है, वे केवल केजरीवाल की कठपुतली बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने एनसी के घोषणा पत्र पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस से कई तीखे सवाल भी किए हैं। राज्यसभा चुनाव में भाजपा अपने किस उम्मीदवार को समर्थन देगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। भाजपा की ओर से ममता महंत को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान ने भाजपा विधायकों के समर्थन से निर्दलीय नामांकन कर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में एक ही पार्टी से दो दो नेताओं के राज्यसभा के लिए नामांकन करने से प्रदेश में बयानबाजी तेज हो गई है। कोलकाता दुष्कर्म हत्या की घटना पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सख्त कानून के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल के बीजेपी उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भारत की सबसे बड़ी नौटंकी नेता हैं। उन्होंने कहा कि जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या की गई, उसके माता को 10 लाख रुपए देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है। सरकार ने अपनी गारंटी को पूरा करते हुए पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन बहाल की और 1,36,000 कर्मचारियों को उनका हक दिया। पिछली भाजपा सरकार ने 5 साल में एक बार भी कर्मचारियों की ओपीएस की मांग पर गौर नहीं किया, बल्कि कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि हर समुदाय या व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है और क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वो राज्य में काम करने की इच्छुक है, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2014 में जब हम सत्ता से बाहर हुए थे, तब हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, रोजगार और खेल के मामले में नंबर एक था। आज हम पिछड़ रहे हैं। आज हम किस मामले में सबसे आगे हैं? बेरोजगारी में, अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था ठप हो गई है। आगे उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को आप देख ही रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियां हैं जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया। उनको जंतर मंतर पर बैठना पड़ा और आज तक उनको न्याय नहीं मिला।